आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए मई महीने में अभियान चलाया जाएगा, जल संसद का भी आयोजन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब समाज भी इसके लिए पहल करे। भिंड में पत्रकार की संदिग्ध मौत की जांच के लिए SIT गठित और प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र भोपाल में शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्षा का जल सहेजने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। वे कल आगरमालवा जिले में अखिल भारतीय पालीवाल महाजन समाज के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प पूरा करने के लिए मई के महीने से अभियान चलाया जाएगा, साथ ही जल संसद का आयोजन भी किया जाएगा। इस अभियान में सभी तरह की छोटी बड़ी जल संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा पानी सहेजने के काम में प्रदेशवासियों से भरपूर सहयोग का आह्वान किया है। श्री चौहान ने इस अवसर पर गुराड़िया सोयत में अगले शिक्षा सत्र से महाविद्यालय खोलने तथा बड़ौद के बीजा नगरी में माँ हरसिद्धि मंदिर पर सड़क निर्माण के लिए 97 लाख रुपए स्वीकृत करने की भी घोषणा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं और बच्चों के विकास के प्रति संवेदनशीलता उनके द्वारा आरंभ किए गए नवाचारों से अभिव्यक्त होती है। उन्होंने कहा कि देशभर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रमों से उल्लेखनीय बदलाव आया है। श्रीमती पटेल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकेगा जब समाज स्वयं भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रभावी पहल करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों से कहा कि वे मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का फीडबैक ध्यान से सुने। श्री सिंह ने कल भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में ये बात कही। श्री सिंह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और मंडल तथा बूथ के कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। राज्य मानव अधिकार आयोग ने कल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह की बहू की आत्महत्या के मामले सहित अन्य मामलों पर संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया। मंत्री रामपाल सिंह की बहू प्रीति की आत्महत्या मामले में मृतका के परिवार को अभी तक न्याय न मिल पाने के मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक रायसेन से अब तक की गई कार्रवाई की प्रगति का प्रतिवेदन मांगा है। इसी तरह भोपाल के पुराने शहर में दौड़ रही अनफिट लो फ्लोर बसों से यात्रियों को हो रही असुविधा पर भी संज्ञान लिया गया है। प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन शैली और शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर नए खंड विस्तार प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए PEB द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। वरीयता सूची में स्थान प्राप्त सभी वर्गों के प्रतिभागियों की काउंसलिंग 2 अप्रैल को राज्य IEC ब्यूरो कार्यालय भोपाल में होगी। इस दौरान सफल प्रतिभागियों के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा खंड विस्तार प्रशिक्षकों की सीधी भर्ती श्रेणी के 58 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इनकी पद स्थापना वरीयता सूची के अनुसार काउंसलिंग और मूल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कल बाल अधिकारों पर राज्य स्तरीय समीक्षा सह कार्यशाला का भोपाल के समन्वय भवन में आयोजन किया जाएगा। ये कार्यशाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर केंद्रित रहेगी। कार्यशाला में बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन पर प्रस्तुतिकरण और चर्चा होगी।
प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी। पहली वायरोलॉजी लैब गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थापित की जा रही है। ये लैब पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी होगी, जिसमें प्रशिक्षित डॉक्टर इबोला, जिका, डेंगू, चिकनगुनिया और H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरसों पर नियंत्रण के लिए उपलब्ध रहेंगे। लैब के निर्माण और उपकरण पर लगभग 29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में इस लैब की इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। लैब जल्द ही शुरू होगी। दूसरे चरण में ग्वालियर, इंदौर, रीवा और सागर में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में ई वेस्ट प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों, शिक्षण संस्थाओं, गैर सरकारी और प्रशासनिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित की जाएगी। ये जानकारी कल भोपाल में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अनुपम राजन ने एप्को में बोर्ड द्वारा ई वेस्ट प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि समिति समय समय पर प्रदेश में ई वेस्ट प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शासन को सलाह देगी। भिंड में पत्रकार संदीप शर्मा की कल ट्रक की टक्कर से हुई मौत मामले पर उनकी हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। इसके मद्देनजर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब श्री शर्मा शहर कोतवाली के पास से गुजर रहे थे। वारदात के बाद भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया गया, लेकिन चालक फरार हो गया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने किस तरह गलत साइड जाकर बाइक पर जा रहे संदीप को कुचला और फिर तेजी से भाग गया। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र कल से भोपाल में शुरू हुआ। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुभारंभ अवसर पर कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए हम सबको ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन की तरफ बढ़ना होगा। इसके लिए समाज के प्रत्येक तबके का सहयोग जरूरी है। इस दिशा में ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि ये केंद्र उपभोक्ताओं के वास्तविक सौर उत्पाद की जरूरतों और सेवाओं को ध्यान में रख उन्हें एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने की दिशा में खोला गया अपनी तरह का पहला शोरूम होगा। बैसाखी पर्व के अवसर पर रीवा में 30 मार्च को लोक रंग महोत्सव आयोजित होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। महोत्सव में पंजाबी लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति होगी। ये महोत्सव पंजाबी साहित्य अकादमी और सिख, सिंधी और पंजाबी समाज के संयुक्त तत्वावधान में होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कल प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस खरगोन, धार और होशंगाबाद में दर्ज किया गया। वहीं रात का सबसे कम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर संभाग कमिश्नर ने सौभाग्य बिजली योजना की समीक्षा करते हुए संभाग के लक्ष्य पूर्ति में कमजोर साबित हो रहे जिलों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुना जिला मुख्यालय स्थित नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में कल समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यपालन अधिकारी ने CM हेल्पलाइन का तत्परता से निराकरण करने के आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब को टालने के लिए जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी न्यायिक कार्रवाई किए जाने के दिशा निर्देश दिए थे। इसी के चलते दतिया जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक केस में बयान दर्ज करवाए गए। और मुरैना में वर्ष 2018-19 के लिए नवीनीकरण लॉटरी और ई टेंडर की प्रक्रिया में निष्पादन से शेष रही देशी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का निष्पादन जिला समिति द्वारा ई टेंडर्स के जरिए किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए मई महीने में अभियान चलाया जाएगा। जल संसद का भी आयोजन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब समाज भी इसके लिए पहल करे। भिंड में पत्रकार की संदिग्ध मौत की जांच के लिए SIT गठित और प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पाद केंद्र भोपाल में शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।